अकाउंट्स के अंदर जो टॉपिक मैंने डेमो क्लासेस में कवर कर दिए थे वो भी मैं दोबारा नहीं करूंगा, वो एंड में एक बार रिपीट हो जाएंगे। वो सिंपल बेसिक अकाउंट्स कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। अभी आप देखो यहां पे जो अकाउंट्स में हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट चीज आप लिखो टाइप ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आप लिखो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। थ्री टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। स्क्रीन बंद हो गया। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। देखो पर्सनल अकाउंट होता है जो भी नेम से अकाउंट होते हैं, रियल होते हैं जो एसेट के अकाउंट हैं, नॉमिनल होते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल थ्री टाइप के अकाउंट्स हैं। भोपाल के स्टूडेंट एटीसी की डिग्री लेके अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो उससे वो डिग्री ज्यादा बेटर है और उससे अच्छी जॉब मिल सकती है आपको। देखो यहां पे थ्री टाइप के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहां पे इतना आप लिख लो। इसके बाद देखो हम एक चीज समझ रहे हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी। देखो पहली बात है जो एसेट और लाइबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर डेट में देखी जाती है। एसेट और लाइबिलिटी हमें एक पर्टिकुलर डेट में देखते, जैसे सपोज डेट है 31 मार्च 2011, इस दिन हम देख रहे हैं क्या हमारी एसेट है और क्या हमारी लाइबिलिटी है। एसेट में जैसे लैंड बिल्डिंग है, लुधियाना के स्टूडेंट बीकॉम ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं और वही करना ज्यादा बेटर है। इंस्टेड ऑफ रेगुलर कॉलेज यू शुड गो फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर बीकॉम कोर्स। हरिद्वार के स्टूडेंट एटीसी लेके आप फाइनल कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर पॉइंट एक ही होता है। पटना के स्टूडेंट, बीकानेर के स्टूडेंट जो आप पूछ रहे हैं वो भी आगे चल के कवर हो जाएगा। देखो एसेट और लायबिलिटी क्या है। एसेट होता है जिस भी दिन हम देख रहे हैं कि हमारी एसेट क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमें ऐसी क्या चीज है जिससे फ्यूचर में, आज नहीं फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। वो कैश में भी हो सकता है या इन काइंड भी हो सकता है, वो हमारे लिए आज एक एसेट है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इसमें आता है जो गोडाउन है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, शॉप है, ये सब लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट है। इसको हम यूज करने के लिए परचेज करते हैं, वो हमारी एक एसेट है। प्लांट है,
मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्स्चर है, ये सब एसेट है। प्लांट मशीनरी जो फैक्ट्री में मशीन्स होती हैं, फर्नीचर फिक्स्चर, फर्नीचर होता है टेबल चेयर रैक्स, फिक्स्चर फिक्स्चर होता है जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो फिक्स्चर में आती है। देखो और हमारी एसेट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में स्पेयर पड़े, एक्स्ट्रा पड़े, उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी कंपनी के हम शेयर ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है। जो पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी हमारे लिए एक एसेट है। और आप देखो एसेट होती है डेटर। डेटर होता है पर्सन टू होम वी सेल गोड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट हम जिनको गुड्स की सेल करते हैं वो डेटर होते हैं। ऑन क्रेडिट गुड्स की जो सेल होती है वो डेटर होते हैं। उनसे हमने पैसा लेना है तो वो हमारे लिए एक एसेट है, जिससे भी फ्यूचर में हमें मिलना है, चाहे वो कैश हो या इन काइंड बेनिफिट हो, वो आज एक एसेट है। और आप देखो एक होता है बिल्स रिसीवेबल। आगे चल के हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म बी ओब्लिक आर होता है। देखो बिल रिसीवेबल क्या है? यहां पे जो बिल रिसीवेबल है, जो डेटर हैं जिनसे हमें पैसे लेने, उनसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कराते हैं। डिटेल से हम बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। देखो जो बिल रिसीवेबल है वो भी हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि जितने का बीआर हमारे पास है उतनी पेमेंट हमें उसकी ड्यू डेट पे मिलनी। और आप देखो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक भी एक एसेट होती है। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक भी एक एसेट है। अगर हमारे पास कैश है, हमारा बैंक में बैलेंस है, तो ये एसेट है, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस। अगर हम किसी को लोन देते हैं, लोन गिवन, वो भी एक एसेट होती है। अगर आप किसी को लोन देते हो, वो लोन आपको वापस मिलेगा, तो जो हमने लोन दिया हुआ है वो हमारी एक एसेट है। अगर हम कोई एक्सपेंस प्री पे करते हैं, देखो प्री पेड एक्सपेंसेस क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमने एडवांस में दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंश्योरेंस, रेंट, ये ऐसे एक्सपेंस हैं जो जनरली प्रीपेड होते। आप अगर इंश्योरेंस कराते हो तो प्रीमियम पहले देना पड़ता है, तब इंश्योरेंस स्टार्ट होती है। आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, घर की कराते हो, लाइफ की कराते हो, प्रीमियम हमेशा एडवांस में जाता है। तो जो हमने इंश्योरेंस या रेंट, रेंट क्या है? आप कोई जगह किराए पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, प्रीमियम हमेशा पहले देना पड़े। वैसे ही रेंट पहले देना होता है, मंथ शुरू होते ही रेंट, बल्कि कई जगह 3 मंथ 6 मंथ का एडवांस जाता है, रेंट हमेशा एडवांस होता है। तो अगर हम कोई एक्सपेंस एडवांस में दे देते हैं, हमने रेंट दे दिया, इंश्योरेंस दे दी, तो वो जो हमने अमाउंट दिया हुआ है
उसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो आज वो एक एसेट है। किसी भी चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा है, चाहे वो कैश में हो या इन काइंड हो, आज वो क्या है? एक एसेट है। तो प्री पेड एक्सपेंस, जो हमने एडवांस में एक्सपेंस दिया, वो भी हमारी क्या है? एसेट। और आप देखो, अगर कोई इनकम एक्रूड है और आउटस्टैंडिंग है, वो भी एक एसेट है। अगर कोई इनकम हमें मिलनी है पर वो मिली नहीं है, अभी वो आउटस्टैंडिंग है, जैसे हमारे पास किसी कंपनी के शेयर है, अब शेयर पे कंपनी डिविडेंड देती और कंपनी ने अपनी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया इस डेट से पहले जिस दिन हम एसेट लायबिलिटी देख रहे हैं, 31 मार्च, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है वो हमारी इनकम है, पर अभी उसका चेक मिला नहीं, तो वो होता है एक्रूड डिविडेंड और आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, क्योंकि इनकम मिलेगी कंफर्म है, सिर्फ उसका चेक आया नहीं। तो ऐसी इनकम जो मिलनी है और मिली नहीं है, वो आज एक एसेट है, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में मिलेगी। जो भी चीज फ्यूचर में मिलनी है वो आज क्या है? एसेट। अब आप देखो, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है कोई भी कैश या बेनिफिट जो हमें फ्यूचर में किसी को देना है। जो देना है वो लायबिलिटी है, जो मिलना है वो एसेट। क्रेडिटर होता है पर्संस फ्रॉम हूम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हम ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर है। जो क्रेडिटर है वो हमारी एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमें वो पैसे उनको देने, डेटर एसेट है ना, क्रेडिटर लायबिलिटी। ऐसे ही आप देखो, एक होता है बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म BOP, बिल्स पेबल क्या होता है कि जिन क्रेडिटर को हमने पैसे देने, उनको हम बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके देते, तो वो बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी है, उस ड्यू डेट पे हमें वो पैसे उनको देने। ऐसे ही आप देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है। जो करंट अकाउंट होते हैं, डिटेल से हम BRS में पढ़ेंगे, हमें फर्स्ट चैप्टर वही करना है बेसिक के बाद। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट। वो फैसिलिटी क्या है कि अगर हमारा बैंक में बैलेंस जीरो भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हम कुछ पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, बैलेंस खत्म होने के बाद भी। जैसे बैंक हमें कैश क्रेडिट लिमिट या ड्राइंग पावर बोलते हैं, 5 लाख की देते हैं, तो हम 5 लाख तक एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक से निकाल सकते हैं, वो एक तरह से लोन हो जाएगा जो हमने बैंक से ले लिया, और उस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का बैलेंस ही है, पर वो नेगेटिव बैलेंस है। जैसे एक आपने बैंक बैलेंस बोला एसेट है, वो क्या है कि बैंक में हमारे 10 लाख पड़े, वो एसेट है, पर बैंक से हमने 5 लाख ज्यादा निकाले हुए हैं, वो क्या है? लायबिलिटी। वो हमें बैंक को देने हैं पैसे, वो एक तरह से लोन है जो हमने बैंक से ले लिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है और बैंक बैलेंस एक एसेट। ऐसे ही कैंप के स्टूडेंट, जो बैंक ड्राफ्ट है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो BRS में हम पढ़ेंगे, जो अभी इसके बाद चैप्टर होगा,
देखो जो नेक्स्ट चीज है लायबिलिटी में, अगर हम लोन लेते हैं, लोन गिवन एसेट है ना, लोन टेकन एक लायबिलिटी है। अगर हम लोन लेते हैं तो लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी है, अगर हम देते हैं तो एसेट है। हरिद्वार के स्टूडेंट जो लिमिट वाली बात मैंने बताई डिटेल से, बीआरएस में हम उसको डिस्कस करेंगे। भोपाल के स्टूडेंट बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट पे। और आप देखो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो एक लायबिलिटी है। जैसे सैलरी होती है ना, सैलरी हमेशा नेक्स्ट मंथ में पे होती है। अगर मार्च की सैलरी है वो अप्रैल में पे होगी, अप्रैल की मई में होगी, मंथ एंड होने के 7 दिन 10 दिन के बाद सैलरी पे होती है अगले मंथ। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो एक लायबिलिटी है। मेरठ में ना कहीं कुछ लाइट वाइट की प्रॉब्लम है मार्कर से, यहां तो सब सही है। देखो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो एक्सपेंस की पेमेंट हमें करनी है। जैसे मंथ खत्म हो गया, सैलरी हमें देनी है, तो मंथ के एंड पे जो सैलरी ड्यू है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि हमें वो पैसा एम्प्लॉय को देना है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वो क्या है? लायबिलिटी। ऐसे ही अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाती है। जैसे हम कोई जगह रेंट पे देते हैं, रेंट हमारी इनकम है। अब हमारा टेनेंट आता है या हम ही उसको बोलते हैं कि भाई हम तो 6 महीने का किराया जो है उसको एडवांस लेंगे, पहले ही ले लेंगे। तो आपने अगर 6 मंथ का रेंट एडवांस में ले लिया, वो पैसा आपकी एसेट है या लायबिलिटी है? उसका आंसर है लायबिलिटी। रीजन, आपने अपने टेनेंट से रेंट एडवांस लिया तो उसका बेनिफिट हमें उसको देना है ना, पैसे तो ले लिए आपने, पर जो उसका बेनिफिट है वो जगह जो हमें उसको देनी है अगले 6 मंथ, वो हमें बेनिफिट है जो उसको देना है। तो कोई भी कैश या बेनिफिट किसी को हमें फ्यूचर में देना है वो आज लायबिलिटी है, और फ्यूचर में कोई कैश या बेनिफिट मिलना है तो वो आज एसेट है। यही दोनों में डिफरेंस होता है।